इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में प्लगइन किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वेबसाइट में लॉगिन करें और उसके WP एडमिन में आ जाएं। डैशबोर्ड में आने के बाद आप प्लगइन्स पे क्लिक करें और ऐड न्यू पे क्लिक कर दें और जो सा भी प्लगइन आपको रिक्वायर्ड हो वो आप यहाँ पर सर्च कर लें, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म सेंड। ये काफ़ी बेहतर प्लगइन है जो कि ईमेल सेंडिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। जब वो प्लगइन आ जाए आप उसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। जब प्लगइन इंस्टॉल हो जाए उसे एक्टिवेट कर लें। वो प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा और आप उससे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा प्लगइन ऐड करने का एक और तरीका है, अगर आपने कोई पेड प्लगइन बाय किया है तो उसकी जिप फाइल आपके पास होगी। आप उस जिप फाइल को यहाँ पर ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करें और अपलोड प्लगइन पर क्लिक कर दें और यहाँ से वो जिप फाइल चूज़ कर लें और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें। इस तरह आप किसी भी पेड प्लगइन को अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं और बाद में एक्टिवेट प्लगइन कर दें। कुछ प्लगइन्स का फाइल साइज़ ज़्यादा होता है और वो इस तरीके के साथ ऐड नहीं होते हैं, तो उनका तरीका ये है कि आप फोल्डर में आ जाए जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट इंस्टॉल की हुई है। फोल्डर में आने के बाद ये इन फोल्डर्स में आ जाए, WP कॉन्टैक्ट के फोल्डर में जाएँ, प्लगइन्स के फोल्डर में जाएँ और यहाँ पर वो थीम की फाइल ला के एक्सट्रैक्ट कर दें। ट्रैक करने के बाद आप इस मेन्यू में आएँ, रिफ्रेश करें और वो थीम यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा, उसको एक्टिवेट करें। तो ये थे कुछ तरीके जिसके थ्रू आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में प्लगइन ऐड कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।